अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 52। आज के इस लेसन में हम देखेंगे हाउ टू डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू यूज़ रिवर्स कमांड। तो स्टूडेंट्स, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट और रिवर्स कमांड, ये दोनों कमांड भी न्यू इंट्रोड्यूस हुई है ऑटो कैड 2015 में। इससे पहले जो ऑटोकैड 2007 हमने किया था उसमें ये दोनों कमांड्स नहीं थी, और ये दोनों कमांड्स बहुत ज़बरदस्त कमांड है आपके किसी ऑब्जेक्ट को रिवर्स करने के लिए, और उसके अलावा आपके कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसमें अगर डुप्लीकेट कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको भी डिलीट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हमने ऑटो अगर आपने ऑटोकैड 2007 की वीडियोज़ देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट जब हम बनाते थे, बनाने पर जब उसमें हम पॉली लाइन हम मूव करते थे, उसमें बास लाइंस जो होती थी वो डुप्लीकेट होती थी। अब वो जो डुप्लीकेट होती थी लाइन, तो उसमें जब वो डुप्लीकेट होती तो उसमें आपका ऑब्जेक्ट 3D में मूव नहीं होता, मीन आपका ऑब्जेक्ट अब 2D से 3D में जब कन्वर्ट करते थे तो कन्वर्ट होने में, एक्सट्रूड होने में थोड़ा टाइम लगता था और इजीली एक्सट्रूड नहीं होता था, तो सिर्फ डुप्लीकेट लाइन की वजह से। और डुप्लीकेट की वजह से आपकी पॉली लाइन भी सही मूव नहीं होती थी, आपको ऑब्जेक्ट को बाउंड्री नहीं मिलती थी। तो ये एक नई इंट्रोड्यूस हुई है कमांड जो कि बहुत ज़बरदस्त है आपके कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप कोई ड्राइंग बनाते हो तो उसमें आप डुप्लीकेट कमांड को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सिर्फ आपने एक बार ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और डिलीट करना है, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में जो डुप्लीकेट लाइन या डुप्लीकेट कोई भी एरिया होगा तो वो आपको सर्च करना ज़रूरी नहीं है। आप सर्च ना भी करें तो वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जितने भी ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया उसमें अगर डुप्लीकेट हम सर्च करते तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था। अगर आपने ऑब्जेक्ट बनाने में आपको 20 मिनट लगे तो डुप्लीकेट लाइन या डुप्लीकेट एरिया सर्च करने में आपको 1 घंटा भी लग सकता था। तो ये आप सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और डुप्लीकेट जितने भी एरिया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। तो वो डुप्लीकेट होने वो वाला एरिया डुप्लीकेट डिलीट होगा जो कि ओवरलैप क्या होता है, एक कमांड के ऊपर दूसरी, एक सरफेस के ऊपर या फिर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर दूसरा ऑब्जेक्ट जब ओवरलैप क्या होता है तो वो डुप्लीकेट कमांड सिर्फ उसी को ही रिमूव करेगा। तो उसके लिए मैं ऑटो कैड ओपन करता हूँ और यहाँ पे आपको सही समझ आएगी कि किस तरह डुप्लीकेट को रिमूव करेगा। तो उसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, अब एक रेक्टेंगल तो ये नीचे ये वाला आ गया, मैं एक और रेक्टेंगल इसके ऊपर ड्राई कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल और ड्रॉ किया, सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे तो मुझे अभी बता नहीं रहा कि कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हुए। मैं क्लिक करता हूँ, मैं देखता हूँ, यहाँ पे भी नहीं बता रहा। और उसके अलावा मैं एक लाइन एंटर करता हूँ ताकि इन दोनों पे मैं आपको फ़र्क करके बता सकूँ, और फिर एक और लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब ये दोनों लाइन ओवरलैप है। ओवरलैप का मतलब है कि बिल्कुल ऊपर नीचे ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जाम्पल इस तरह मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, एक यहाँ पे भी रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, और एक दूसरा जो रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा इससे फासले पे करता हूँ क्योंकि सही ओवरलैप नहीं होगा। अब देखें, ये सही ओवरलैप नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे डुप्लीकेट के लिए जो कमांड है वो आपको मॉडिफाई में आप जाएंगे, और मॉडिफाई में आपको यहाँ पे ये लिखा होगा डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, क्लिक करेंगे इसके ऊपर और अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। मैं इस साइड से सिलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये कह रहा है आपके पास सिलेक्ट ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई ऑपोजिट कॉर्नर टू फाउंड टू डुप्लीकेट्स, मीन यहाँ पे दो डुप्लीकेट कॉर्नर है। अभी सिलेक्ट करने के बाद आप इसी के ऊपर राइट क्लिक करें ना, यहाँ पे राइट क्लिक कीजिएगा यहाँ पे, या फिर एंटर करें, स्पेस प्रेस करें या एंटर प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करें, तो ये डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट के लिए मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, और आपने ओके कर देना है। अगर आप चाहते हो कि लाइन्स वगैरह या कलर वगैरह है तो कलर को इग्नोर करें, मीन अगर कलर जो है आपके डुप्लीकेट में कलर चेंज किए हुए, नीचे वाला कलर रेड है ऊपर वाला वाइट ही है, तो उनको भी ये इग्नोर करें, तो आप यहाँ से इस पर इसको चेक कर देंगे बॉक्स को, लेयर को इग्नोर करें। तो अभी हमने लेयर के ऊपर डिस्कस नहीं किया, जब लेयर के ऊपर डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लाइन टाइप मीन हमने लाइन टाइप को डिस्कस किया था, डॉटेड लाइन हो, ये आपके लाइन टाइप्स हैं, देखें लेयर्स में डॉटेड लाइन हो या जो भी लाइन हो उसको भी इग्नोर करें।
लाइन वेट, लाइन टाइप, तो इन चीज़ों को इग्नोर करें। तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इन चीज़ को बेशक चेक ना करें, अनचेक करें और यहाँ से ओके कर दें, तो फिर भी ये डिलीट कर देगा। ओके, अब देखें यहाँ पे तो आपका एक ही ऑब्जेक्ट है, मैं इसको मूव करके आपको बताता हूँ। देखें एक ही ऑब्जेक्ट है, मीन आपका ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। अब मैं इसी को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ, तो पहले इसने बता दिया था कि हम बस दो ऑब्जेक्ट जो कि डुप्लीकेट टू जो ऑब्जेक्ट थे जो कि सिलेक्ट हो गए, और अब देखें यहाँ पे कह रहे हैं वन ऑब्जेक्ट है, डुप्लीकेट कोई भी नहीं है। अब मैं इसी को यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे भी कह रहे हैं टू फाउंड हुए, मीन दो लाइन हमारे पास फाउंड है और ये दोनों क्या हमारे पास एक इनमें से डुप्लीकेट है और एक लाइन है। ये भी काम करने के बाद आप राइट क्लिक करें और यहाँ से ओके कर दें, तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आपकी लाइन भी सिर्फ एक रह गया है, डुप्लीकेट जो इसके ऊपर जो या इसके नीचे जो लाइन थी, तो जो इसके ऊपर ओवरलैप की हुई थी वो डिलीट हो गया। अब ये ओवरलैप नहीं किया हुआ तो इनको देखता हूँ कि ये डिलीट करेगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं दोबारा मॉडिफाई में जाता हूँ और यहाँ से मैं डिलीट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करता हूँ। ओके, राइट क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखिए इसने डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को डिलीट नहीं किया क्योंकि ये ओवरलैप नहीं किए हुए थे। तो ये जो ओवरलैप ऑब्जेक्ट किए हुए होते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को डिलीट करता है। अब ओवरलैप यहाँ पे इसके ऊपर रेक्टेंगल के ऊपर एक और यहाँ पे ये जो लाइन है ये ओवरलैप की हुई थी इसके ऊपर, जो दो बार लाइन आई हुई थी, तो इसको इसने डिलीट कर दिया, देख सकते हैं क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हो रही। देखें वो बिल्कुल इसके ऊपर ओवरलैप की हुई थी, उसको इसने डिलीट कर दिया और किसी लाइन को किसी भी ऑब्जेक्ट को इसने डिलीट नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ, मूव करके बताता हूँ, देख सकते हैं तो इसके ऊपर भी लाइन इसने क्या कर दी, डिलीट कर दी जो ओवरलैप की हुई थी, और इस साइड से भी जो ओवरलैप की हुई थी उसको भी इसने डिलीट कर दिया। तो ये जी आपकी टेक्निक्स होती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ओवरलैप किया हुआ है तो उसको आप डिलीट कैसे कर सकते हैं। उसके अलावा आपका रिवर्स कमांड है, रिवर्स कमांड के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल देखता हूँ कि रेक्टेंगल पर ये अप्लाई होगी कि नहीं, रेक्टेंगल मैंने किया और रेक्टेंगल पे मैं अपने ऑब्जेक्ट को रिवर्स करना चाह रहा हूँ, तो रिवर्स के लिए मैंने उसको सेलेक्ट किया। अब देखें यहाँ पे कमांड एरिया में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और रिवर्स कमांड में अप्लाई करता हूँ, यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पे दे रहा है, कह रहा है ऑब्जेक्ट डायरेक्शन हैज़ बिन रिवर्स्ड, तो इसकी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन जो वो रिवर्स हो गया लेकिन आपको नज़र नहीं आ रही, सॉरी लेकिन आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही कि आपकी ऑब्जेक्ट डायरेक्शन रिवर्स हुई है कि नहीं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको इसको मैं ब्रेक करूँ या कोई और तरीका अप्लाई करूँ जिससे आपको ये नज़र आए, तो मे भी कि उस पर अप्लाई करता है कि नहीं, लेकिन मैं कोशिश करके आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसको ब्रेक किया और ये जो ब्रेक करता हूँ मैं इसको, इस कॉर्नर से ब्रेक करता हूँ। अब मैं रिवर्स कमांड अप्लाई करके देखता हूँ, आपको बताता हूँ। तो मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट रिवर्स हो गया लेकिन यहाँ पे इसको मेंशन शो करके नहीं बता रहा, जो हमने जिस जगह से इसको मैंने ब्रेक किया तो वो जगह वहाँ पे ही बता रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका रिवर्स हो जाता है। तो जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो आपको सही समझ आ जाएगी ऑब्जेक्ट को रिवर्स कैसे करते हैं और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो ये था जी आपका मॉडिफाई टूल बार, और मॉडिफाई के ऊपर आज हमने डिस्कस किया और जो जो कमांड नई इंट्रोड्यूस हुई हैं उनके ऊपर आज हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और इससे पहले वाले जितने लेसन हमने किए उनकी भी आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।